सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है कि हमारे जो पंचायत मरालिया में प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना हुआ है उसमें वैक्सीनेशन का बहुत बहुत ज़्यादा अभाव चल रहा है। इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान जो हमारे यहाँ पे प्रॉपर जो चल रहा है टीकाकरण का प्रोसेस वो बहुत ही गलत तरीके से चल रहा है। अभी तक पिछले हफ्ते में एक बार कोरोना वैक्सीन का डोज आई लेकिन लोगों को नहीं लगाई जा रही है। सरकार दावा कर रही है कि हमने 99% कोरोना वैक्सीन 45+ की उम्र के लोगों को लगा दिया गया है लेकिन अभी तक सेकंड डोज 45+ के लोगों को पूरी नहीं लगी है। तो मैं सरकार से आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपना प्रोसेस जो है वो प्रॉपर तरीके से ठीक करें और हमारे यहाँ पे स्पेशली पंचायत मरालिया में और ब्लॉक मीरा साहब में टोटल 2 हेल्थ सेंटर हैं, एक पंचायत मरालिया में और एक सिंबल में। जिस तरह की यहाँ की आबादी है यहाँ पे लोगों को ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाई जाए सो दैट जो लोग यहाँ पे आए वो वैक्सीनेशन लगवा सकें। अभी तक 18+ वालों का तो नामो निशान तक नहीं कि 18+ के लोगों को यहाँ पे वैक्सीनेशन ही नहीं है 18 से लेकर 44 तक के लिए। तो मेरा आप लोगों से यही गुजारिश है और आप लोगों के तहत सरकार को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है वो प्रॉपर तरीके से। आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, सरकार ने पीछे LG हमारे गवर्नर साहब ने एक ड्राइव चलाई थी कि हर पंचायत में कोविड सेंटर बनाया जाए लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पे मैं ब्लॉक मीरा साहब में आपको पूरी आश्वासन से कह सकता हूँ किसी भी पंचायत में कोई भी कोविड सेंटर यहाँ पे नहीं चल रहा है और बिल्कुल ना मात्र कोविड सेंटर चल रहे हैं। सरकार भी बता रही है टीवी के माध्यम से भी हमें पता चल रहा है कि तीसरी लहर जोरों पर है। केरल में अभी पीछे हमने कल रात को सुना है कि केरल में 30,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस आ चुके हैं लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सरकार को जल्द से जल्द ये स्टेप उठाने चाहिए, वैक्सीनेशन की ड्राइव तेज करनी चाहिए सो दैट कि हमारे यहाँ के लोगों को वैक्सीनेशन लगे और इस कोरोना वैश्विक महामारी से बचाव किया जा सके।